नमस्कार दोस्तों, दबंग ब्लॉगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का भी समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आज सप्तमी है और इस बार हम आउटडोर ज्यादा नहीं हो सके, बाहर ज्यादा नहीं जा सके क्योंकि थोड़ी तबीयत भी खराब थी और एक दूसरा ऐसा था कि हमको इसी सप्तमी अष्टमी तत्काल टिकट है, 17 तारीख तक अंतिम दिन है और इसी के बीच में हमें गांव भी जाना है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और हम आपको नहीं तो 9 दिन लगातार मिलते थे, बीच में समय के हिसाब से जैसा समय हमें मिला मैं आपको लगातार मिलता हूं। और ये जो नवरात्र है आप सबके लिए शुभ हो, आप यशस्वी हों, यही हम सब मिलके कामना करते हैं और माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि आप लोग सदा सुखी रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के बीच में रहें। दोस्तों, ये जो समय है नवरात्र का, ये आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से इसमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत रहती है। इसके लिए माँ दुर्गा का 9 दिन के हम लोग पूजा पाठ करते हैं और उनकी सेवा में अपना समय निकालते हैं। दोस्तों, ये समय जो है चैत्र नवरात्र सनातन धर्म हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप इसमें मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति दोनों आप इसमें अर्जित कर सकते हैं माता रानी की पूजना और उपासना करके। आइए, मैं जो हमारे साथ में हैं वेदांति तिवारी, मैं उनसे भी मिलता हूँ और उनके भी कुछ विचार इसमें जानना चाहूँगा क्योंकि वो माता रानी का 9 दिन तक उपास रहती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा समय उनसे भी मिलते हैं। शेरावाली का दरबार है, माता 9 दिन तक अपने भक्तों के साथ रहती हैं, उनके सुख दुख का बराबर ध्यान रखती हैं। जय हो शेरावाली मैया, जय हो मादा आतिशक्ति, आपकी जय हो। सब भक्त मिलकर आपकी सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आप उनके सुख दुख में बराबर सहभागी रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब लोग मिलकर पूजा अर्चना में आपके लगे हुए हैं, आप भी हमारी जो मनोदशा है उसको समझती हैं। जय हो शेरावाली मैया। दोस्तों, हम सब लोग नवरात्रि की 9 दिन की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। ये हमारे साथ में दबंग गायिका वेदांती तिवारी हैं। जय माता जी। जय माता दी। और 9 दिन तक पूजा अर्चना तो हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमको, आपको मैंने बीच में बताया भी है कि हमको गांव जाना है, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सब मिलके। तो हमारे साथ में गायिका वेदांती तिवारी हैं, अभी लगता सोके उठी है। नहीं, तबीयत बहुत खराब है। तबीयत दोनों की खराब चल रही थी, 4-5 दिन से तबीयत बहुत खराब, इसके लिए हम लोग तिवारी जी के ब्लॉग पे नहीं आ रहे थे। और आज सप्तमी है माता जी का, आज जो है पूजा शीतला मैया का करते हैं लोग, इसके लिए हमें थोड़ा मार्केट भी जाना है और पूजा भी करना है शीतला माँ का, इसके लिए थोड़ा तबीयत ठीक, माता जी ठीक की है तो थोड़ा तो करना ही चाहिए। धन्यवाद आपका, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप 9 दिन की तो पूरी आप गाए भी हैं, पचरा भी माता रानी का गाए हैं, बहुत से गीत आपने गाया है, तो मैं सोचता हूं मेरे भी चैनल पे अगर 1-2 टुकड़ा आपका छोटा मोटा हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जरा जय माता जी। आज सप्तमी है, सप्तमी शीतला मैया का दिन है, आज एक पचरा आप सबके लिए 2 लाइन लेके आई हूँ, आप लोग सुनिएगा और अच्छा लगे तो तिवारी जी के ब्लॉग पर कमेंट जरूर करिएगा। और शीतला जी का वो है, इसमें हम शीतला जी का गाना गाते हैं। कहाँ से आई है सातोरे बहिनिया शीतला रे जान, जान शीतला रे बहिनिया रे जान, ये जान कहाँ से आए भैरो भैया रे जान, ये जान कहाँ से आए भैरो भैया रे जान। पूर्वा से आई सातो शीतला बहिनिया रे जान, ये जान
मन शीतला सा तो बहिनिया रे जान, जान घोड़ा चढ़ी आए भैरो भैया रे जान। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से दबंग गायिका वेदांती तिवारी से निवेदन करता हूँ कि आज हवन का अगर छोटा मोटा कोई गाना है तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सुनाने की कोशिश करें। आज हम लोग आप सबके बीच आए हैं, जो कि तबीयत आज दो चार दिन से बहुत खराब थी, इसके लिए हम लोग शांत से बैठे थे। तो आज एक मैं माता जी का जो है अभी कल नहीं परसों हवन है, नवमी है, हवन का एक गाना सुनाती हूँ आप सबको, आप लोग सुनिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है और एक खुशी जाहिर करती हूँ आप सबके बीच कि हमारे बड़े लड़के की सगाई है, तो हम 19 तारीख को अयोध्या पहुँच रहे हैं सगाई में। आप लोग आशीर्वाद देना जरूर हमारे बच्चे को। और आप सबके लिए एक छोटा सा माता जी का हवन गीत गा रही हूँ। जो से सुंदर हवन होगा, हवन में तिल गुड़ चावल होगा, जो से सुंदर हवन होगा, हवन में तिल गुड़ चावल होगा। अपनी हवन में मैं मैया को बुलाऊंगी, मैया नहीं आई तो शीतला रानी आएगी, शीतला से बढ़ कर दूजा नहीं होगा, हवन में तिल गुड़ चावल होगा, मैया से बढ़ कर दूजा नहीं होगा, हवन में तिल गुड़ चावल होगा। जय माता जी। नमस्कार दोस्तों, हम लोग सही में 17 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, 19 तारीख को अयोध्या पहुँच जाएंगे। और अयोध्या पहुँचने का हमारा मेन मकसद है कि हमारे बड़े लड़के दुर्गेश नारायण तिवारी की सगाई है 20 तारीख को, और हम लोग अयोध्या में 20 तारीख को दोनों, और हमारा पूरा परिवार है, छोटा लड़का है, माता जी है, और भी बहुत से परिवार हैं। हम बॉम्बे से अयोध्या के लिए सब लोग एक एक करके जैसा हो सकेगा 15, 16, 17, 18 तारीख तक सब लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और हमारे साथ में वेदांती तिवारी भी रहेंगी वहाँ पे। चलिए दोस्तों, फिर मैं हमारे बेटे को आशीर्वाद जरूर देना आप सब, और मैं वीडियो डालूंगी अपने बच्चे का, अपनी बहू का, अपने पूरे परिवार का, जैसी सगाई होगी हम डालेंगे। आप लोग आशीर्वाद जरूर देना हमारे बच्चों को, यही उम्मीद करती हूँ मैं। शेरावाली मैया की जय, जय हो माता रानी की।